नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सिंह राजावत आदित्य टेक्निकल यूट्यूब चैनल्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी से रिलेटेड एक टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो एग्जाम्स के व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंस टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से कम दो और ज्यादा से ज्यादा तीन क्वेश्चन, दो से तीन क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स में रहते हैं जिन्हें हमें पूर्णतः सही करना है, तो हमें इसको सीखना है। तो देखें, हमारा टॉपिक है आज, टॉपिक का नाम है चुंबक मैग्नेट। बहुत अच्छा टॉपिक है और इजी भी है, तो हमें इसको अच्छे से समझना है। तो देखें साहब, कि आखिरकार ये चुंबक है क्या चीज। जिस प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को मैं यहां पे क्लियर करवाऊंगा। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है आपसे कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है, या आपसे पूछा जाता है कि चुंबक का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है, चुंबक को कैसे बनाया जाता है, चुंबक किसका बना होता है, स्थायी चुंबक किसका है, अस्थायी चुंबक किसका बना है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो हम इन सभी चीजों पर वर्णन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है चुंबक। देखिए सर, सबसे पहले बात करूं आखिरकार ये चुंबक है क्या चीज। तो व्हाट इज द मैग्नेट, मतलब चुंबक क्या है। तो सुनिए सर, चुंबक एक ऐसा पिंड है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और यदि इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उसको हम कहते हैं चुंबक। एक होता है चुंबकत्व अर्थात चुंबकीय प्रभाव। तो कहने का मतलब यह है कि चुंबक के गुणों को जहां तक महसूस किया जा सके उसे हम चुंबकत्व या चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो देखिए साहब, तो वह पदार्थ या वह पिंड जो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता हो और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता हो, उसे ही आप क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं साहब। और चुंबक को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मैग्नेट कहते हैं। ये बात हुई साहब हमारे चुंबक के बारे में। लेकिन एक समस्या अभी एक ये आ रही है कि साहब, इस चुंबक की आखिरकार उत्पत्ति कहां हुई, ये चुंबक कहां आपको मिला, इसको प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था। ये है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि साहब लोडस्टोन क्या है, ऐसा पूछेंगे साहब। तो लोडस्टोन एक प्रकार का चुंबक है जिसे प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। तो हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं चुंबक की उत्पत्ति। तो देखिए साहब, हम बात कर रहे हैं चुंबक की उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति पे चल रहे हैं कि ये कहां से हमें चुंबक मिली पूरे विश्व को, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखें, तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एक महाद्वीप था जिस महाद्वीप का नाम है एशिया। तो एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में एक स्थान है साहब, एशिया महाद्वीप में एक स्थान है जिसका नाम है मैग्नीशिया। तो देखो मैंने लिख दिया यहां पे मैग्नीशिया। इस मैग्नीशिया नामक स्थान पर, नामक स्थान पर हमें क्या मिले, हमें साफ पत्थर के टुकड़े मिले हैं। तो पत्थर के टुकड़े, मैग्नीशिया नामक स्थान पर पत्थर के टुकड़े मिले। इन पत्थर के टुकड़े जो ये आपको मिले हैं, ये पत्थर के टुकड़ों में एक विशेष गुण था। क्या गुण था, ये लोहे की जितनी भी वस्तुएं हैं, लोहे की वस्तुओं को क्या कर रहा है साहब, ये आकर्षित कर रहा है साहब। कौन आकर्षित कर रहा है, जो मैग्नीशिया नामक स्थान पर पत्थर के टुकड़े मिले हैं, ये पत्थर के टुकड़े लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। तो आकर्षित कर रहे थे, तो वहां के लोगों ने इसको एक नाम दिया, और इसको नाम दिया साहब, क्या नाम दिया, लोडस्टोन। देखें साहब, वापस देखें, जो मैग्नीशिया नामक स्थान पर जो लोहे के टुकड़े मिले, उन लोहे के टुकड़ों को, पत्थरों को नाम दिया लोडस्टोन। ये लोडस्टोन दिशा सूचक होता है साहब, दिशा सूचक पत्थर है, दिशा सूचक पत्थर जो वहां के नाविक हुआ करते थे मैग्नीशिया नामक स्थान पर, उन्होंने दिशा सूचक के रूप में इसको काम में लिया। एक चीज और, ये जो जो आपका लोडस्टोन है, इस लोडस्टोन को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है मैग्नेटाइट। याद रखें साहब, जो आपका चुंबक है उसको किस नाम से जाना जाता है, मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट का ही दूसरा नाम क्या है, लोडस्टोन। तो आपसे कोई पूछे साहब कि ये लोडस्टोन क्या चीज है, तो लोडस्टोन एक प्रकार का क्या है, चुंबक, जो क्या काम में आता है साहब, दिशा सूचक एक प्रकार का क्या है, पत्थर है, ठीक है। देखिए साहब, और इस जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर मैं बात करूं, बाद में चलकर इस मैग्नेटाइट को मैग्नेट नाम दिया गया,
मैग्नेट नाम दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये पूरी जो कहानी आपने देखी ये मैग्नेट की उत्पत्ति है, चुंबक की उत्पत्ति है। कैसे हुई एक बार देखते हैं, रिपीट करता हूं यहां पर। सबसे पहले बात करूं चुंबक की परिभाषा, तो चुंबक की परिभाषा है कि वह पिंड जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरे वही क्या कहलाता है, आपका चुंबक कहलाता है। और चुंबक का गुण या प्रभाव जहां तक जाता हो, जहां तक उसका क्षेत्र विद्यमान होता हो, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। बात करें चुंबक की उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति कहां हुई है, एशिया महाद्वीप में। कहां पर, मैग्नीशिया नामक स्थान पर। क्या मिला साहब वहां पर, पत्थर के टुकड़े जो क्या कर रहे हैं, लोहे की वस्तुओं को आकर्षित कर रहे हैं। इस पत्थर के टुकड़े को क्या नाम दिया गया, लोडस्टोन। लोडस्टोन का दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटाइट। और इस लोडस्टोन का जो उपयोग है वो किसके रूप में होता है, दिशा सूचक के रूप में। लोगों ने इस मैग्नेटाइट को ही बाद में नाम क्या दे दिया गया, मैग्नेट। और मैग्नेट को हिंदी में आप क्या बता रहे हैं साहब, चुंबक है बता रहे हैं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, चुंबक कहते हैं। आगे देखो बात करते हैं कि आखिरकार इस चुंबक के क्या तो गुण है, क्या इसके अवगुण है, तो इसकी विशेषता क्या है, इनके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं चुंबक के गुण, तो देखो साहब चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं, तो चुंबक के गुणों की बात कर रहा हूं। इसी पे हम दोनों एक बोर्ड पे ही एक साथ दोनों आ जाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखो देखो मैं एक बात चुंबक के गुण बताने से पहले इस जगह पे आपको बता दूं कि एक आपका ये एक चुंबक है, ये मैंने यहां बना दिया है चुंबक, और ये चुंबक का भी एक नाम है, इसको बोलते हैं छड़ चुंबक, क्योंकि एक ये छड़ के समान है इसलिए इसको नाम दिया गया है छड़ चुंबक। देखिए चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक एन होता है और एक क्या होता है एस, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इसके अंदर विद्यमान है। एक चीज और अगर मैं बात करूं, अब ये जो चुंबक है इसके आगे बात करते चलें तो होगा क्या इसमें कि देखें, तो इसमें पहला गुण की बात करें तो फर्स्ट गुण यही होगा कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, कैसे लटकाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाया जाए साहब, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होता है, ये ठहरता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरा देखो चुंबक के अंदर क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल। एक पोल वाले चुंबक का कभी भी अस्तित्व नहीं होता, तो ध्यान देवें कम से कम कोई सा भी चुंबक हो उसमें कितने पोल होंगे, दो पोल। तो यहां एक और विशेषता लिख रहा हूं, एक और गुण लिख रहा हूं, एक पोल वाले या एक ध्रुव, इसको पोल को बोलेंगे ध्रुव, एक ध्रुव वाले चुंबक, जो एक ध्रुव वाले चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, ये एक गुण है। अर्थात हमने क्या देखा, हमने देखा कि साहब चुंबक में कम से कम कितने पोल होने चाहिए, दो पोल। एक और देखिए कि चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव जो होंगे, समान ध्रुवों में तो क्या होता है साहब, प्रतिकर्षण। याद रखें समान ध्रुवों में होगा प्रतिकर्षण, एवं जो असमान ध्रुव होंगे, असमान ध्रुव यहां लिख दिया मैंने, असमान ध्रुवों में हमेशा क्या होता है साहब, आकर्षण होता है, असमान ध्रुवों में आकर्षण, अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखिए कि साहब चुंबक के तीन विशेष गुण मिल गए। पहला गुण क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पे कौन सी दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। दूसरा, एक ध्रुव वाले चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता। तीसरा, समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। तो देखिए साहब तीसरे की बात करें अगर हम, तो चुंबक को देखो, चुंबक को गर्म करने से या फर्श पर गिराने से चुंबक के गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, चुंबक के गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो
जाते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा, चार हमने इंपॉर्टेंट बातें देखी। अगर हम चौथी बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी चुंबक को यदि आप गर्म करोगे या फिर उसको फर्श पर गिराओगे, या फिर एक और इंपॉर्टेंट बात होती है पीटने से भी, कि चुंबक को यदि आप पीटोगे तो अर्थात हथौड़े से चोट मारोगे तो भी उसके गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक और बात करूं मैं यहां पर, तो पांचवा यहां एक टॉपिक लिख देता हूं, देखिए कि यदि जो हमारा जो हमारी चुंबक है, इस चुंबक के दो ध्रुव है और दोनों ध्रुवों की शक्ति हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो मैंने यहां लिख दिया दोनों ध्रुवों की शक्ति हमेशा समान होती है, हमेशा समान होती है साहब, दोनों ध्रुवों की शक्ति हमेशा क्या होंगी, समान होंगी। तो देखिए दोस्तों हमने बात करी चुंबक के गुणों की, तो चुंबक के गुण है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट गुण है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पे चुंबक हमेशा कैसे रुकेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। दूसरी बात करें, एक ध्रुव वाले चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होगा साहब, समान ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुवों में क्या हो जाएगा, आकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण का मतलब है यदि एन चुंबक एन ध्रुव के पास दूसरा एन ध्रुव लेके जाएंगे, पोल लेके जाए, तो उनमें होगा प्रतिकर्षण क्योंकि समान है, और एन के पास यदि एस को लेके जाएंगे तो वो उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये तीसरा है। चौथे की अगर बात करूं कि चुंबक को गर्म करने से, फर्श पर गिराने से, और तो चुंबक के गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि दोनों ध्रुवों की शक्ति हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो दोस्तों ये आपके पास चुंबक का एक छोटा सा परिचय और इसके गुण है। देखिए आपने यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपके पास जो हमारे ये वीडियोस हैं, ये सारे वीडियो आपके पास पहुंचे। देखिए अगर हम बात करें चुंबक की, तो चुंबक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में हमेशा क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। चुंबक को पीटो या उसको गर्म करें या उसको फर्श पर गिरा दें तो भी उसके गुण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एक ध्रुव वाले चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं है। देखा, इसके बाद अगर हम अब बात करें, ये दो जो हमने अभी बात करी, ये हो सकता है आपके एग्जाम्स में ना पूछे जाए, बट जो अब हम बोर्ड पे बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को आना चाहिए। क्वेश्चंस अब यहां से बनेगा, पुट अप होगा, ध्यान देवे इसको। तो क्या है, तो देखते हैं यहां, अब हम पढ़ रहे हैं चुंबक के प्रकार। देखिए साहब चुंबक के प्रकार कि आखिरकार ये चुंबक कितने प्रकार की है, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट बात करें तो उन पे बात कर रहे हैं। तो देखें आपसे यदि कोई पूछे कि साहब चुंबक कितने प्रकार की है, तो आप कहेंगे साहब कि चुंबक दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है साहब, कि पहला जो चुंबक आपका कहलाएगा ये कहलाएगा साहब प्राकृतिक चुंबक, फर्स्ट प्राकृतिक चुंबक, ध्यान देवे फर्स्ट चुंबक है प्राकृतिक, और दूसरा जो चुंबक कहलाएगा इसका नाम है कृत्रिम चुंबक। तो चुंबक दो प्रकार का हो गया, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। सुनिए साहब, प्राकृतिक चुंबक को बोला जाएगा नेचुरल मैग्नेट, ध्यान देवे इंग्लिश भी थोड़ा देख लें, इसको बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट, और आपका जो कृत्रिम चुंबक है इसको बोला जाएगा आर्टिफिशियल, ध्यान देवे साहब आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये लीजिए साहब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है। तो मैग्नेट टू टाइप्स का हो गया। आगे बात करें कि साहब प्राकृतिक चुंबक क्या है, परिभाषा देखो, कुछ ऐसे हमारे पास शब्द आएंगे, कुछ ऐसी परिभाषाएं आएंगी जिनको हमें लिखने से ज्यादा हमें ऐसे ही याद हो जाएगी। तो ये भी एक छोटी सी परिभाषा है, देखना भी याद हो जाएगी। प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक होता है जो प्रकृति से प्राप्त होता है, मानव निर्मित नहीं होता, उसे प्राकृतिक चुंबक कहेंगे, ये इसकी परिभाषा। वापस, प्राकृतिक से प्राप्त होने वाला चुंबक या प्रकृति से प्राप्त होने वाला चुंबक क्या कहलाएगा, प्राकृतिक चुंबक। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा, सुनिए साहब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोड स्टोन क्या है, लोड स्टोन क्या है, तो याद रखें लोड स्टोन एक प्रकार का कौन सा चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक। दूसरी बात सुनिए, ये जो प्राकृतिक चुंबक होता है ये कम शक्तिशाली होते हैं साहब, क्या होंगे ये बोलिए, कम शक्तिशाली, ध्यान देवे साहब प्राकृतिक चुंबक कैसे होते हैं, कम शक्तिशाली होते हैं। और एक बात और, जितने भी प्राकृतिक चुंबक होते हैं इस प्राकृतिक चुंबक में अगर हम बात करें तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, ये हमेशा होते हैं बेडोल, तो अर्थात जिनका कोई आकार ना हो, ये बेडोल होते हैं, बेडोल मतलब
बिन इनकी बिन मतलब आकृति निश्चित नहीं है सब, आकृति निश्चित नहीं है, ध्यान देवे सब, आकृति निश्चित नहीं है, अर्थात ये टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं इस प्रकार के जो बेडोल होते हैं। तो देखो हमने क्या देखा, प्राकृतिक चुंबक का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है लोडस्टोन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है लोडस्टोन क्या है, तो आपको याद रखना है लोडस्टोन है आपका प्राकृतिक चुंबक। दूसरा, प्राकृतिक चुंबक कैसे होते हैं, कम शक्तिशाली, साहब ये कैसे होते हैं, बेडोल होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कृत्रिम चुंबक की, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सब। तो देखिए पहली, सबसे पहले इसकी परिभाषा कि कृत्रिम चुंबक की क्या है, तो सुनिए, मानव द्वारा निर्मित चुंबक आपका कौन सा कहलाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। देखिए साहब, और ये कृत्रिम चुंबक जो होता है इसकी कुछ विशेषताएं, तो इसकी विशेषता मैं यहां लिख देता हूं, ये शक्तिशाली होते हैं। तो यहां मैंने आगे लिख दिया कि जो आपके कृत्रिम चुंबक है ये शक्तिशाली होते हैं प्राकृतिक चुंबक से कहीं अधिक। दूसरा, यदि हम बात करें कि आखिरकार ये जो कृत्रिम चुंबक है इसकी और क्या विशेषता है, तो साहब और देखिए, इनकी आकृति निश्चित होती है या इनकी आकृति होती है साहब, तो इनकी एक विशेष इनकी आकृति होंगी, जैसे गोल चुंबक होते हैं या आपके हॉर्स सुनुमा चुंबक होते हैं, सुईनुमा होंगे या फिर बेलनाकार छड़नुमा, ये सारे हमारे कौन से चुंबक होते हैं, कृत्रिम चुंबक। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या होंगे, शक्तिशाली, और इनकी एक निश्चित आकृति होती है। देखो साहब, तो ये मानव निर्मित है। दूसरा, अगर बात करें कि कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार का है, तो याद रखें कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, इस तरफ एक तो होगा आपका स्थायी चुंबक होगा और दूसरा होगा अस्थायी चुंबक। वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, स्थायी चुंबक और दूसरा नाम क्या है आपके पास, अस्थायी चुंबक। देखिए मैं यहां पर आपको कुछ इंग्लिश भी वर्ड भी लिख रहा हूं, आपको ध्यान देना है, एग्जाम में इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख देते हैं, तो ध्यान दे भाई साहब, जो आपका स्थायी चुंबक होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परमानेंट, आपने कई बार नाम सुना होगा परमानेंट है साहब, तो परमानेंट मैग्नेट होता है ये, तो परमानेंट मैग्नेट का मतलब है स्थायी चुंबक। जबकि अस्थायी चुंबक जो होगी इसको बोलते हैं टेम्परेरी, ये आपका टेम्परेरी होता है, तो टेम्परेरी जो है इसको बोलेंगे टेम्परेरी मैग्नेट। अब देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है, तो हम पहले लेते हैं स्थायी चुंबक की, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक की क्या परिभाषा है, सुनिए साहब, ऐसा चुंबक, पहली बात तो एक बात और ध्यान दें, स्थायी या अस्थायी ये दोनों ही कौन से प्रकार के चुंबक होते हैं, कृत्रिम, और कृत्रिम चुंबक यदि आप कह रहे हो तो ये कैसे हैं, शक्तिशाली, इसका मतलब ये शक्तिशाली चुंबक होंगे। अब बात करें स्थायी चुंबक की, तो स्थायी चुंबक क्या होगा, ऐसा चुंबक जिनके गुण लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं, उन सभी चुंबक को हम कैसे चुंबक बोलेंगे, स्थायी चुंबक, अर्थात परमानेंट मैग्नेट बोलेंगे, या ऐसे चुंबक जिनके गुण कभी नष्ट नहीं होते हैं या होते भी हैं तो बहुत लंबे समय बाद में नष्ट होते हैं, उनको हम स्थायी चुंबक बोलेंगे। जबकि अस्थायी चुंबक वह चुंबक होते हैं जिनमें चुंबक के गुण कुछ समय बाद में सोते ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सभी चुंबक आपके क्या कहलाएंगे, अस्थायी चुंबक। अब बात करते हैं, देखो बहुत अच्छी हमारे यहां पर हमें ध्यान देना है इसको, कि ये जो स्थायी चुंबक है आखिरकार ये बना हुआ किसका होता है, तो मैंने यहां बना लिख दिया कि किसका बना हुआ है ना, या हम ऐसे कहें बनावट की बात करें कि आखिरकार इसकी बनावट किसकी है, तो ध्यान देवें ये जो स्थायी चुंबक होता है ये आपका कार्बन स्टील, ध्यान देवे साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन स्टील या फिर बात करें कोबाल्ट स्टील का बना होता है, कोबाल्ट स्टील का बना होता है, तो ध्यान देवे, तो साहब किस किस का बना हुआ है, ये कार्बन स्टील का बना होता है या फिर कोबाल्ट स्टील का बना होता है, कौन बना होता है, स्थायी चुंबक, और स्थायी चुंबक वह चुंबक होते हैं जिसके गुण कभी भी नष्ट नहीं होते या इन फ्यूचर कभी हो तो बहुत लंबे समय बाद होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, स्थायी चुंबक। किसका बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देवे, स्थायी चुंबक बना होता है किसका, कार्बन स्टील या फिर कोबाल्ट स्टील। लेकिन देखिए वर्तमान में कुछ और मिश्र धातुओं भी काम में ले रहे हैं, तो ध्यान दे रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं कि वर्तमान में मिश्र धातु काम में ले रहे हैं साहब चुंबक बनाने में, मिश्र धातु, तो मिश्र धातु के काम में लेते हैं, तो साहब कौन कौन सी मिश्र धातु है, तो सबसे फर्स्ट नाम यहां पे मैंने लिख दिया एल निको,
नाम देखना इसका, एल निको है साहब फर्स्ट धातु, इसको एलिनिको भी बोलते हैं और एल निको भी बोल देते हैं। देखिए, और एल निको का मैंने इंग्लिश में यहां लिख दिया ए एल एन आई सी ओ, ये हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा, एल निको है ये, ठीक है साहब। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि एल निको जो आपका एक मिश्र धातु है, निम्न में से इसका कौन कौन सा मिश्रण है या इसमें कौन सा मिश्रण विद्यमान नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसके नाम में ही इसमें पता है कि इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले देखो AL, AL का मतलब होता है साहब इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम। सबसे पहले ध्यान दे रहे, तो आपका जो एल निको है उसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम। एन आई का मतलब होता है साहब इसमें क्या होगा, निकिल होगा। और देखें साहब सीओ का मतलब इसमें होगा कौन साहब, कोबाल्ट, तो आपको याद रखना है कोबाल्ट भी होगा। और एक बात, इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या होगा साहब, लोहा भी होता है। तो एल निको के अंदर चार मुख्य आपके पास धातु हैं, सबसे पहले कौन सी है, एल्यूमिनियम, दूसरा निकिल, तीसरा कोबाल्ट और चौथा क्या है, लोहा। ये इसके नाम में ही देखो AL, यहां पर हमने लिख दिया, देखो AL, Ni और CO, इसके आधार पे हमने इसका नाम याद कर लिया, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और लोहा। तो दूसरी एक और मिश्र धातु है वो भी आपको याद रखनी है, दूसरी मिश्र धातु है एल्कोनेक्स, याद रखें साहब एल्कोनेक्स। अब देखो आपसे मैं एक क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन बना आपसे बनता है आपके पास कि स्थायी चुंबक निम्न में से किसका बना होता है, तो ऑप्शन में ये दो मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, एल निको, तो आपको टिक किसको करना है, एल निको पे। वापस सुनो, स्थायी चुंबक किसका बना हुआ है, एल निको का, या फिर किसका बना हुआ है, एल्कोनेक्स, ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई ऑप्शन मिलेगा, ये सिंगल धातु है और ये मिश्र धातु। तो देखें साहब, तो एल निको का मिश्रण कौन क्या क्या है वो भी बात करते हैं। तो इन दोनों में से एक चीज बाहर निकाल देते हैं, एक धातु और दूसरी धातु अंदर, कौन सी, ये निकिल धातु इसमें से गायब कर देंगे, और इसमें अगर हम तांबा मिला दें तो वो एल्कोनेक्स होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, एल्कोनेक्स में वही धातुएं होंगी जो एल निको में है, लेकिन यहां पर क्या नहीं होगा, निकिल, निकिल की जगह क्या होगा, तांबा। तो देखो इसमें लिख रहा हूं यहां पर मैं, सबसे पहले है आपका एल्यूमिनियम, ये लीजिए साहब एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद निकिल की जगह कौन आ जाएगा, तांबा, और आगे कोबाल्ट ऐसा कैसा आ गया, और इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या होगा, लोहा। तो क्वेश्चन देखो, वापस देखें, क्वेश्चन बना स्थायी धातु बनाने में एलिनिको काम में लिया जाता है, निम्न में से उसमें कौन सी धातु उपस्थित नहीं है, तो उपस्थित नहीं के लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी धातु है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन हो, एल्यूमिनियम है, निकिल है, आपका कोबाल्ट है और लोहा है, जबकि एल्कोनेक्स धातु में, एल्कोनेक्स मिश्र धातु में क्या क्या उपस्थित है, एल्यूमिनियम है, तांबा है और आपका कोबाल्ट है और लोहा है। क्लियर है बात यहां पर, आगे देखते हैं साहब। दूसरा आपका कौन सा है, अस्थायी चुंबक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको याद रखना है, जो आपकी स्थायी चुंबक होती है अस्थायी चुंबक, इस अस्थायी चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहा जाता है। अरे कौन से चुंबक कहते हैं, विद्युत चुंबक। वापस रिपीट रिपीट, अस्थायी चुंबक का दूसरा नाम क्या है, विद्युत चुंबक। तो देखिए साहब, और विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक वह चुंबक होती है जिसके गुण सोते ही कुछ समय बाद में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चुंबक के गुण उसमें, चुंबक में तब तक ही विद्यमान रहते हैं जब तक उसमें विद्युत धारा सप्लाई हो रही होती है। जैसे सप्लाई बंद तो चुंबक के गुण भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे विद्युत घंटी, विद्युत घंटी अस्थायी चुंबक का उदाहरण है। देखिए साहब आगे बात करें, यह अस्थायी चुंबक आखिरकार किसका बना हुआ है, तो याद रखे ये मृदु इस्पात का बना होता है साहब। किसका बना हुआ है, मृदु इस्पात। और मृदु इस्पात, इस्पात को ही बोला जाता है अंग्रेजी में, बोलते हैं स्टील। तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है, कई बार अस्थायी चुंबक को स्टील का बता देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम याद क्या करते हैं, मृदु इस्पात। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मृदु इस्पात है वही आपका क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। तो अस्थायी चुंबक किसका बना हुआ है, मृदु इस्पात का। एक और बात याद रखें, ये जो अस्थायी चुंबक जब हम बनाते हैं तो इसमें डीसी सप्लाई दी जाती है साहब। कौन सी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई देने पर आपका क्या बन जाता है, अस्थायी चुंबक बन जाता है। तो देखिए दोस्तों एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूं और आपको याद भी हो जाएगा, अभी तुरंत याद करते हैं। तो आइए साहब आप देखें, सबसे पहले क्या है, चुंबक के प्रकार। तो चुंबक कितने प्रकार का है, दो। पहला कौन सा है, प्राकृतिक, और दूसरा कौन सा है, कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक को अंग्रेजी में बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट, कृत्रिम को बोलेंगे
देखेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। कृत्रिम चुंबक वह चुंबक होता है जिसमें जो मानव द्वारा निर्मित नहीं होता, अर्थात प्रकृति से प्राप्त होने वाला चुंबक है। देखें आगे, ये जो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण कौन सा है, लोडस्टोन। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं, कम शक्तिशाली होते हैं। और कैसे होते हैं साहब ये, बेडोल। कृत्रिम चुंबक कैसे होते हैं, शक्तिशाली, और इनकी एक निश्चित आकृति होती है। कृत्रिम चुंबक के कितने प्रकार के हैं, दो। बात करें कृत्रिम है क्या जी, तो मानव द्वारा निर्मित जो चुंबक होगा वो कौन सा होगा, कृत्रिम। इसमें बात करें स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक को अंग्रेजी में परमानेंट, अस्थायी को टेम्परेरी। स्थायी चुंबक किसका बना होता है, कार्बन स्टील या कोबाल्ट स्टील। लेकिन वर्तमान में इसको किसका बना रहे हैं, ध्यान देवे साहब, वर्तमान की यदि बात करूं तो वर्तमान में मिश्र धातु का बना रहे हैं। और मिश्र धातु कौन सी है, एलनिको और एल्कोनेक्स। एलनिको किसका मिश्रण है, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और लोहे का। जबकि एल्कोनेक्स में निकिल बाहर करो, तांबे को अंदर, एल्यूमिनियम, तांबा, कोबाल्ट और लोहा। अस्थायी चुंबक का दूसरा नाम क्या है, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक किसका बना हुआ है, मृदु इस्पात का। अस्थायी चुंबक में कुछ समय बाद में गुण स्वतः ही क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। साहब इसको कौन सी सप्लाई देके बनाई जाती है, डीसी सप्लाई। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो जो आगे हम अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।